हरियाणा के सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी, उसे लेकर इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है। इसकी वजह है विश्वविद्यालय से हुए दो इस्तीफे। हालांकि इस्तीफा जानी मानी हस्तियों का है, लेकिन घमासान इस्तीफे की वजह बन गया है, क्योंकि इन इस्तीफों से अभिव्यक्ति की आजादी का मामला गर्मा गया है। अब एक विश्वविद्यालय के छात्रों ने घमासान मचा दिया है, दूसरी ओर इसे हथियार बनाकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। देखिए बवाल की पूरी इनसाइड स्टोरी। यह हंगामा मचा है प्रीमियम समझी जाने वाली अशोका यूनिवर्सिटी। इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अचानक से हुए दो लोगों के इस्तीफे पर विवाद हो रहा है। पहले जाने माने स्तंभकार और पॉलिसी रिसर्चर प्रताप भानु मेहता ने इस्तीफा दिया, और उसके दो दिनों के बाद पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने भी इस्तीफा दे दिया। दोनों के इस्तीफे के बाद विश्वविद्यालयों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया, क्योंकि प्रताप भानु मेहता ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि फाउंडर्स से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा यूनिवर्सिटी से जुड़ना राजनीतिक लायबिलिटी समझा जा सकता है, और आजादी और समान अधिकारों वाले संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में लिखना विश्वविद्यालय के लिए खतरा हो सकता है। प्रताप भानु मेहता अपने लेखन के जरिए सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना भी की है। प्रताप भानु मेहता के इस्तीफे के विरोध में दो दिन बाद अरविंद सुब्रमण्यम ने भी इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में अरविंद सुब्रमण्यम ने लिखा, मेहता दोस्त ही नहीं एक प्रेरक व्यक्ति है। उनके इस्तीफे ने मुझे बुरी तरह से हिला दिया है। मैं अशोका यूनिवर्सिटी को चलाने वाले ट्रस्टीज की समस्याओं को समझ सकता हूँ, और अब तक उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं रही है, लेकिन प्रताप मेहता जैसे दिग्गजों को अगर यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला लेना पड़े तो ये बात डिस्टर्ब करती है। इसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी प्रताप भानु मेहता के समर्थन में आ गई है। ये समझा जा रहा है कि सरकार की आलोचना की वजह से प्रताप भानु मेहता को जाना पड़ा। इसी पर सोनीपत की इस यूनिवर्सिटी में हंगामा खड़ा हो गया। अब इस विरोध में छात्र भी शामिल हो गए। यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों की तीन मांगे। पहली मांग है प्रोफेसर मेहता से पब्लिकली माफी मांगी जाए, और प्रोफेसर मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम को उनका पद वापस ऑफर किया जाए। दूसरी मांग है यूनिवर्सिटी के संस्थापक छात्रों को बताएं कि प्रोफेसर और उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है, और तीसरी मांग है कि संस्थान में सुधार लाने हैं ताकि ऐसे घटनाक्रम दोबारा न हो। ये मांग है कि फाउंडर्स हमसे बात करें, वो लोग बोले हमें कि उन्होंने प्रोफेसर मेहता को क्या बोला था कि मतलब उनको रिजाइन करना पड़ा, तो उनके साथ भी हमारा संवाद हो, बात हो हमसे। वो लोग हमें अब तक मिले नहीं है फाउंडर्स, और हम काफी मतलब डिसअपॉइंटेड है इसलिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल अशोका विश्वविद्यालय के प्रशासन की ओर से लगातार प्रोफेसर मेहता और प्रोफेसर सुब्रमण्यम से बात की जा रही है, और अंदरूनी तौर पर इस्तीफा वापस लेने को लेकर भी चर्चा चल रही है। जिस तरीके से सॉलिडैरिटी में प्रोफेसर सुब्रमण्यम उतरे हैं, उसी तरह से सूत्रों के माध्यम से ये भी जानकारी आ रही है कि आगे आने वाले दिनों में दो और प्रोफेसर अपनी फैकल्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। अशोका विश्वविद्यालय का पक्ष जानने के लिए एबीपी न्यूज ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत की कोशिश की, और करीब 7 से 8 घंटों की कोशिशों के बावजूद जब हमें कोई पक्ष नहीं मिला तो छात्रों से उनका पक्ष जाना है। फिलहाल मीडिया को कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते मुख्य द्वार के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ABP News, आपको रखे आगे।